हेलो स्टूडेंट, टुडे इज माय टॉपिक इज सम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, पहला इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करने का काम करता है। जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है आर रेजिस्टेंस, तो वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस का मतलब एक पॉइंट ये है और एक ये है, इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के द्वारा उसको फाइंड करने के लिए। तो वोल्ट मीटर के जो पोल्स होते हैं उसको हम, ये वोल्ट मीटर है, इस पॉइंट से जोड़ दिया एक पोल और दूसरा पोल इस तरह से, तो इस तरह से वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि जब पीछे से करंट आती है ये, तो जब इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस अधिक है तो ऊपर के रास्ते में करंट की क्वांटिटी कम रहती है और अधिक से अधिक जो करंट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू ही जानी चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर इस वोल्टमीटर डिवाइस का रेजिस्टेंस कम रहता है तो कम रेजिस्टेंस की वजह से जो ऊपर की ब्रांच में जाने वाला करंट है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी और जिस रेजिस्टेंस के थ्रू हमें पोटेंशियल फाइंड करना है वो एरर आ जाएगी उसमें। क्योंकि मैंने मान लिया अगर 10 एम्पियर करंट ये पीछे से आ रही है और ये रेजिस्टेंस है हमारा 2 ओम का, तो 10V = IR, इस फॉर्मूले से हमें वोल्टेज फाइंड करना है। आई कितना है, 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 2, तो 10 × 2 20 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज ड्रॉप हो गया। लेकिन यदि इस वोल्टेज का, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है और 10 एम्पियर में से आधा करंट या 5 एम्पियर 4 एम्पियर ये इतना करंट ऊपर चला जाए तो आगे रास्ते में जाने वाला करंट तो होगा केवल 5 या 6 एम्पियर करंट होगा और 5 × 10 वोल्ट रह जाएगा, यानी बहुत बड़ी एरर आ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ये वोल्ट मीटर का जो डिवाइस है ये बिना करंट के तो चल नहीं सकती, तो इसमें जो ये जो करंट इसके लिए जो रिक्वायर होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, यानी 0.5 एम्पियर के आसपास अगर करंट से चल जाए तो 9.5 एम्पियर करंट आगे को जाएगा, तो वोल्टेज जो हम मेजर करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट तो नहीं आएगा लेकिन नियर अबाउट आ जाएगा, ठीक आ जाएगा, क्योंकि इसको चलने के लिए भी करंट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको चलने के लिए काफ़ी करंट यूज़ हो जाए और फिर एरर आ जाए हमारे रेजिस्टेंस में। तो वोल्टमीटर करंट से ही चलेगा लेकिन वो करंट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। कुछ वोल्टमीटर, देखो अगर रेजिस्टेंस इस वोल्टमीटर का इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट का मतलब है ऊपर को जाने वाली करंट जीरो, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे रेजिस्टेंस, ऐसे वोल्टमीटर को आइडियल वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, दूसरी हमारी डिवाइस है एमीटर। एमीटर, एमीटर एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको रेजिस्टेंस के सीरीज में जोड़ते हैं, ये रेजिस्टेंस है सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस लो क्यों होना चाहिए, अगर इसका रेजिस्टेंस अधिक हो गया तो पीछे से आने वाले करंट के थ्रू यही वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, यानी करंट को कंज्यूम कर जाएगा और जिसका हमें करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। जब करंट की वैल्यू खुद ही कम कर देगा तो ये नापेगा क्या, गलत नापेगा फिर तो। इसलिए हम चाहते हैं कि ये करंट जो नाप रहा है, मेजर कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, ये खुद करंट को कंज्यूम ना करे, खुद करंट को कंज्यूम ना कर रहे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस लो रखा जाता है। तो जो आइडियल एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है जीरो, तो जीरो रेजिस्टेंस जिस एमीटर, आइडियल वोल्ट एमीटर हो गया, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है क्योंकि ये एक ऐसी डिवाइसेज हैं कि इनको, इनमें रेजिस्टेंस भी थोड़ा बहुत तो होता है, ये जीरो रेजिस्टेंस कहीं नहीं होता, थोड़ा बहुत तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस होता है ये हर डिवाइस में। ठीक है, तो इसको पैरेलल में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, इसको अगर हमने पैरेलल में लगा भी दिया तो क्या होगा, ये जिस ब्रांच में हमें करंट मेजर करना है ये इस ब्रांच का करंट मेजर नहीं करेगा, ये तो फिर इस ब्रांच का करंट मेजर करेगा। ठीक है, ये तो फिर वोल्टेज मेजर करेगा और वो भी गलत, क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, सारा सारा करंट ऊपर चला जाएगा, आगे को जाने वाला करंट कम रह जाएगा,
तो वो वोल्टेज भी गलत ही फाइंड करेगा, इसलिए इस लो रेजिस्टेंस डिवाइस को हम सीरीज में लगाते हैं। एक्चुअली ये एक गैल्वेनोमीटर होता है, वोल्टमीटर भी और एमीटर भी। इसमें अंदर रेजिस्टेंस लगा के, हाई रेजिस्टेंस बना के इसको वोल्टमीटर पैरेलल में लगाते हैं, और उसी गैल्वेनोमीटर में पैरेलल में अंदर ही अंदर वो रेजिस्टेंस लगा के इसका नेट रेजिस्टेंस कम करके इसको सीरीज में लगा देते हैं। इस पॉइंट को हम बड़ी 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ेंगे। हमारे इस लेवल पर ये इस यहीं तक है, ठीक है। ये दो डिवाइस हैं। नेक्स्ट टू इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।